हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग चौहान वर्ल्ड। आई एम योर होस्ट अनुराग चौहान। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। सो आज की जो वीडियो है वो उन भाइयों के लिए है जो मैट कलर की बाइक या स्कूटी यूज़ करते हैं। उनको मैं बताऊंगा कि मैट पेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाला। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका छोटा सा इनिशिएटिव मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी टैंक पे कितनी डस्ट लगी हुई है, वो आज हम इस पे मैट फिनिश पॉलिश से देखेंगे कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आता है। चीज़ का ध्यान रखना है कि जब अपनी बाइक को आप क्लीन करें तो वो केवल एक माइक्रोफाइबर क्लोथ से ही क्लीन करें। तो चलिए यूज करके देखते हैं इस वेवेक्स मैट फिनिश पॉलिश को अपनी बाइक पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके टैंक पे कोई भी लेयर नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने मैट फिनिश पॉलिश यूज़ की है वहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, और जो जो पार्ट मैंने यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लियर हो चुका है, और इसका रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने कि कितना अच्छा इन्होंने मैट पॉलिश ने अपना काम किया है। प्रॉपर इस पर ना कोई लेयर है ना कुछ, और बहुत ही अच्छे से इसने पार्ट्स को। जो हमारा प्रोडक्ट है वो है शिबा का ऑल इन वन पॉलिश, जो कि हमने अपना पाउडर कोटेड इंजन के लिए मंगाया। जो भी हमारे बाइक में ब्लैक इंजन होता है, पाउडर कोटेड इंजन होता है, उसके लिए ये पॉलिश है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाउडर कोटेड इंजन पे ऐसे डस्ट बैठ जाती है, और इसी को आज हम क्लियर करने वाले हैं शिबा की ऑल इन वन पॉलिश से। से साफ करने के बाद इसको आपको माइक्रोफाइबर क्लोथ से दूसरे से इसको साफ कर देना, ताकि जो इस पे डस्ट है वो ना जमे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑल इन वन पॉलिश को पाउडर कोटेड इंजन पे यूज करने के बाद कैसा दिख रहा है आपको, ये कितने अच्छे से क्लीन हुआ है, और आपको यहाँ पे कोई भी डस्ट नहीं दिख रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे न्यू बाइक परचेस करने पे इंजन मिलता है, देख रहे हैं। और इसको आप साइलेंसर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइलेंसर देख रहे हैं आप, ये साइलेंसर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। दोस्तों अगर बात करूँ इन पॉलिशों के प्राइस की, तो जो शिवा की ऑल इन वन पॉलिश है वो मेरे को पड़ी थी 111 की, और जो वेवेक्स की ऑटो केयर मैट फिनिश पॉलिश है वो मेरे को पड़ी थी 240 की। ये दोनों मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की थी। सो दोस्तों अब बात करें इन दोनों पॉलिश के रिव्यूज़ की, तो दोनों पॉलिश ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। मैट फिनिश ने मैट पार्ट पे बहुत अच्छे से काम किया, ऑल इन वन पॉलिश ने इंजन पे बहुत अच्छे से काम किया है। इंजन बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू ऐसा चमक रहा है। जितने भी भाई क्लासिक स्टाइल ब्लैक ऑन करते हैं उनको ये पॉलिश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसको यूज़ करके देखें, इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो यही थी आज की वीडियो, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।